तो भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको एडोबी एप्रेस से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे डाउट्स जो आपने मुझे कमेंट के जरिए मुझसे पूछा है, तो उस सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं। और कुछ डाउट जो है, ऐसे डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर करने वाला हूं एडोबी एप्रेस से रिलेटेड। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जो है आने वाले टाइम में जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट का भी जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मुझे एडोबी आफ्टर इफेक्ट या सिनेमा 4D का जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, जो मैं जानता हूँ, जो मैं अपने वीडियो पे जो भी इफेक्ट बनाता हूँ या जो भी वीडियो एडिट करता हूँ, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल के जरिए या किसी वीडियो के जरिए जो है मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो बहुत सारे भाइयों का जो है कमेंट उसमें आया था, कुछ भाइयों का जो है एडोबी एप्रेस से रिलेटेड कुछ डाउट था, कुछ क्वेश्चन था, तो उन सारे सवालों का जो है मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एडोबी आफ्टर इफेक्ट से रिलेटेड जो सबसे पहला डाउट है, पहला क्वेश्चन जो है ये है कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट जो है वो कोई एप्लीकेशन है क्या, हम उसे अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यार, एडोबी आफ्टर इफेक्ट जो है वो कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप में जो है आपको इंस्टॉल करना होता है। और इसके लिए जो है आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह जो है इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, और इसको आप जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या फ़ोन पे जो है आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आप अगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब भाई, यहाँ दूसरी बात ये सामने आती है कि चलिए आपके पास में कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप है, तो क्या आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है एक जो सबसे बड़ी पॉइंट की बात है कि हर जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट है, सिनेमा 4D है या फिर माया, जो भी कोई भी वीडियो जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, खासकर मैं इस वीडियो पे एडोबी आफ्टर इफेक्ट की बात करता हूँ, तो इस सॉफ्टवेयर का जो है एक सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है कि उसको जो है कितना GB का रैम वाला PC चाहिए, कितना आपको उसमें ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है उसका रिक्वायरमेंट का हिसाब से होता है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपका कंप्यूटर, PC या लैपटॉप कुछ भी जो है होना चाहिए, तब जाके जो है ये आपके कंप्यूटर में वर्क करेगा। तो भाई, यहाँ बात करते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट का सिस्टम रिक्वायरमेंट की। तो आपके पास अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो उस पर जो है 8 GB का रैम होना चाहिए और 2 GB मिनिमम जो है आपका ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ये जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे जो है ज़्यादा भी आपका अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसमें भी जो है क्या होता है कि जब हम कुछ वीडियो एडिट करते हैं और कुछ इसमें जो है बहुत सारा इफेक्ट जब हम यूज़ करते हैं, तो वो जो है रेंडर प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि इसका जो है, जैसे कि मेरे पास में 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो रेंडर प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो होता है। अगर इससे ज़्यादा है आपके पास, अगर 16 GB का रैम वाला PC है और कहीं ना कहीं आप अगर 4 GB या 6 GB या 8 GB का ग्राफिक कार्ड आप अगर यूज़ करते हैं, तो आपका जो भी प्रोसेस रहेगा, जो रेंडरिंग प्रोसेस रहेगा, वो फास्ट हो जाएगा। तो यार, आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो आप देखिएगा कि आपका जो है रैम है वो कम से कम 8 GB होना चाहिए और उसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अब भाई, बात करते हैं यहाँ पे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है, जो इंटरनल मेमोरी जिसे कहते हैं, वो कितना होना चाहिए। तो भाई, रेकमेंड मैं ये करूँगा कि आपका अगर कंप्यूटर है तो कम से कम 2 GB का हार्ड डिस्क होना चाहिए, यानी कि 2 TB है आपका जो मेमोरी वो होना चाहिए। क्योंकि यार, आप जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे ना, तो ये कम से कम 2 GB के आसपास का ये सॉफ्टवेयर आता है। इंस्टॉल के बाद में ये जो है इसका जो है फाइल जो है कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो है कुछ प्लगइन्स वगैरह जो है इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो आपका जो हार्ड डिस्क है 2 TB होना चाहिए, और जो सी ड्राइव है तो सी ड्राइव में ही जो है आपको कम से कम 100 GB का स्पेस रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि यार, आपका सिस्टम में ऑलरेडी कुछ जो है सॉफ्टवेयर जो है बिल्ड होते हैं, उसकी वजह से कुछ आपका जो है उसमें मेमोरी लग जाता है। उसके बाद में आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट, सिनेमा 4D या फिर कोई और ऐसा सोनी देगा, इस तरह का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे। इसके अलावा एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारे आपको जो प्लगइन्स होते हैं, जो कम से कम एक एक प्लगइन्स आपको 400-500 MB कुछ जो प्लगइन्स होते हैं, 1 GB तक भी प्लगइन्स आते हैं। तो वो सारा चीज़ जब आप इंस्टॉल करोगे, तो आपका कहीं ना कहीं सी ड्राइव में आपको उतना स्पेस आपको मिलना चाहिए। तो मैंने अपने जो कंप्यूटर है उसमें सी ड्राइव का पेज से जो स्पेस जो है 1 TB रखा हुआ है, और 1 TB में जो है मैं अपना जो भी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह है, जो डी या ई ड्राइव जो होता है, उसमें मैंने जो है 2 ड्राइव मैंने रखा हुआ है। तो कुल मिला के अगर आपके सिस्टम का रिक्वायरमेंट की बात किया जाए, तो आपको कम से कम 8 GB का रैम होना चाहिए, 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, और कम से कम जो है 2 TB का आपके पास हार्ड डिस्क होना चाहिए।
इसके अलावा जो है आप सी ड्राइव में जो है 1 TB का स्पेस रखिए। अब इसके बाद का जो स्टेप है ना वो है इंस्टॉलेशन का। तो इसको जो है आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे करें, ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि यार ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, और ये जो है एक इस सॉफ्टवेयर को जो है आपको परचेस करना पड़ता है, और ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो इसको आप जो है किस तरह से इंस्टॉल करें, तो बहुत से भाई लोगों का जो सवाल है, और शायद आप भाई भी जो है मुझसे यही पूछेंगे कि भाई इसको हम फ्री में इंस्टॉल कैसे करें या फिर इंस्टॉल कैसे करें। तो भाई यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, मैं किसी वीडियो को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भाई देखो क्या करो, क्योंकि यूट्यूब ऐसा अलाउ नहीं करता कि किसी भी पेड सॉफ्टवेयर को जो है आप फ्री में डाउनलोड करने के बारे में टिप या ट्रिप दें। तो आप जो है सिंपली यूट्यूब में देख लीजिए, और उस हिसाब से जो है आप इसको जो है इंस्टॉल कीजिए, या फिर जो है आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं जो है आपको कुछ सजेशन दे सकता हूँ। या फिर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है कि कोई वीडियो का लिंक जो है मैं आपको शेयर कर दूं, तो उस वीडियो को आप देख के इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है आप कर सकते हैं। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड। आने वाले टाइम में जो है इसका जो बेसिक ट्यूटोरियल से मैं स्टार्ट करूंगा। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।